विकास नगर में खनन विभाग और प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए नवाबगढ़ क्षेत्र में एक खनन पट्टा जब्त कर लिया। दरअसल बरसात के मौसम में नदियों पर खनन पूरी तरह से बंद रहता है, लेकिन फिर भी प्रशासन को लगातार नवाबगढ़ क्षेत्र में यमुना नदी पर अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए टीम ने कई जगहों पर बड़े पैमाने पर खनन का अवैध स्टॉक भी जब्त किया। साथ ही नदी के उन रास्तों पर खाई खोदी गई जिसके जरिए अवैध खनन का काम किया जा रहा था। बरसात के मौसम में खनन बंद होने के बावजूद खनन कारोबारी पट्टे की आड़ में अवैध खनन कर रहे थे। ग्रामीणों की शिकायत पर इस मामले को उठाते हुए हाल ही में जन संघर्ष मोर्चा ने आला अधिकारियों के समक्ष ये मामला रखा। आला अधिकारियों के निर्देश के बाद खनन विभाग की टीम ने नवाबगढ़ यमुना नदी में एक खनन पट्टा जब्त कर लिया। खनन पट्टे के बैरियर पर ताला लगाकर सील कर दिया गया। इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। देखिए, विकास नगर नवाबगढ़ क्षेत्र में हमने देखा कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जगह जगह पर अवैध भंडारण करे हुए हैं, तो हमने आज सारे अवैध भंडारणों पर कार्यवाही की। अवैध भंडारण में जो खनिज जमा था उसको जब्त कर लिया है और उसको तहसील परिसर में इकट्ठा कर दिया है।